Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास वीवो का Y36 है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस फोन की स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में, जिसका यूज़ करके इस फोन की कॉल को आप स्मार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपनी कॉल स्मार्ट करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको फोन की सेटिंग में चले जाना होगा। यहाँ आने पर कुछ इस तरह से आप इंटरफेस को देख सकते हो। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे की साइड आओगे तो देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। सिंपल आप यहाँ क्लिक कीजिए एंड स्मार्ट मोशन के लिए आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप स्मार्ट कॉल का फीचर यहाँ पे देख सकते हो, आपको देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे चार अलग अलग फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अपने हिसाब से आप अपने फीचर को ऑन कर सकते हो या नहीं करना है आपको यूज तो आप उसको बंद करके रख सकते हो। पहला फीचर देखने को मिल जाता है आपको स्मार्ट आंसरिंग का। इस फीचर को ऑन कर लेंगे तो आप अपनी कॉल को विदाउट टच की कॉल को आंसर कर सकते हो, मतलब फोन को टच नहीं करना है, कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। सिंपल क्या करना है, रिंग होते फोन आप अपनी कान की ओर ले जाइए, कॉल ऑटोमेटिकली आपकी आंसर हो जाएगी। इतना स्मार्ट फोन है कि आपकी कॉल को समझ लेगा कि आप उस कॉल को आंसर करना चाहते हो, पर रखते ही कॉल ऑटोमेटिकली आंसर आपकी हो जाया करेगी। एंड यहां पे आपको दूसरा एक और फीचर देखने को मिल जाता है हैंड फ्री का, जो कि स्मार्ट स्विच नाम से आपको देखने को मिलेगा। इस फीचर को ऑन करने के बाद क्या होगा, जैसे कि आप किसी नंबर से बात कर रहे हैं, बात करते करते आप अपने फोन को अपने कान को ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका फोन क्या करेगा, उस जो आवाज़ आपकी हैंड फ्री स्पीकर में आ रही होगी उसको इस वाले स्पीकर में देना शुरू कर देगा, मतलब ईयर वाले जो स्पीकर रहता है यहाँ पे रिसीवर में, इसमें आपकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है, जैसे कि आप हैंड फ्री से फोन हटाते हैं कान को ले जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी वो आवाज़ कान वाले स्पीकर में आना शुरू हो जाएगी। एक और फीचर मिलेगा स्मार्ट म्यूट का। इस फोन को आप अगर इस फीचर को ऑन कर लेंगे तो आपके फोन पर जैसे कोई कॉल वगैरह आ रही है आप उस कॉल को म्यूट करना चाहते हो तो फोन को रिंग होते फोन को जैसे कवर कर देंगे, मतलब फोन को फ्लैट करके रख देंगे या फोन को आप जेब में रख देंगे पॉकेट में रख देंगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली वो म्यूट हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको बैकअप हैंड फ्री का फीचर देखने को मिल जाता है। इस फीचर को ऑन करने के बाद आप अपने फोन को टच भी नहीं करेंगे तब भी कॉल को आंसर करा पाएंगे, कान को नहीं ले जाएंगे तब भी कॉल को आंसर करा पाएंगे। करना क्या, जैसे कि आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आ रहा है आप उसको आंसर करना चाहते हो, आंसर करने के लिए टू फिंगर दिखा दीजिए 20 सेंटीमीटर के लगभग दूरी से, तो आपकी वो कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैंड फ्री मतलब रिसीव हो जाएगी और डायरेक्टली हैंड फ्री हो जाएगी, मतलब आप हैंड फ्री पर डायरेक्टली बात कर सकते हो। जैसे कि फोन टेबल पर रखा हुआ है जब उस कॉल आ रही है आप उसको आंसर करने के लिए टू फिंगर दिखा दीजिए तो डायरेक्टली आपकी हैंड फ्री स्पीकर पर बात होना शुरू हो जाएगी। अगर वही कॉल आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, आप आंसर नहीं करना चाहते तो इस तरीके से आपको पाम दिखाना होगा तो कॉल आपकी डिस्कनेक्ट भी हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन फीचरों का यूज करके इस फोन की कॉल को आप स्मार्ट कर सकते हो। आशा करते हैं फ्रेंड्स इन फीचरों के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।